लव, नमस्ते। ऐसा तो नहीं बात कर पाऊंगी यार मैं पूरे वीडियो में, तो नॉर्मल करते हैं। सो हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ होती है किसी पे भरोसा करना, बट ये जो अरेंज मैरिज मीटिंग होती है इसमें अजीब होता है बहुत, बट कोई ना, अपना सोसाइटी, अपना प्रॉब्लम। बट ऐसे मीटिंग्स में आप कैसे बात करो कि आप उस इंसान को समझ पाओ जिसके लिए आपसे, जिससे आपको शादी करने के लिए कहा जा रहा है। सो ये जानते हैं इस वीडियो में। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ माय वाईटी फैम, यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, देन यू विल नेवर मिस माय न्यू अपडेट। क्योंकि ये मीटिंग हमारी फैमिली ने फिक्स की होती है पूरे फोर्स के साथ कि बेटा फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा, तुम्हारी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होगा। तो अब ये मुश्किल चीज़ और मुश्किल लगने लगती है कि मुझे डिसीजन लेना है, मुझे हाँ या ना कहना है। पहले के लोगों को नहीं ये बर्डन फील होता था क्योंकि तब हमसे पूछा ही नहीं जाता था, तब तो मम्मी पापा ही डिसाइड कर लेते थे और थोप देते थे डिसीजन। और बेटे भी, हाँ माँ आपको पसंद आई तो मतलब अच्छी ही होगी। डिसीजन मेकिंग होता क्या है ये उनको तब समझ में आता था जब उनको डिसाइड करना पड़ता था कि बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में कराएं। बट खैर, ये जो माइंडसेट होता है कि मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनना है, इसको आप अपने दिमाग से हटा दो और ये सोचो कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है। सो सिर्फ सोचना है, उनको बोलना नहीं है कि तुम्हें मेरी जीवन संगनी हो प्रिय, ऐसे नहीं बोलना है, सिर्फ सोचना है। अगर इस सोच के साथ अब जो बातें होंगी ना, तो वो चीज़ें, ये बिहेवियर, ये सारी बातें, ये आदतें, ये आपको समझ में आएंगी कि ये मेरे लाइफ पार्टनर में है, क्या मुझे यही चाहिए था अपने लाइफ पार्टनर में हमेशा। अब जो डिसीजन आएगा वो मन से आएगा और आप थॉट्स में नहीं उलझोगे। नंबर वन, रूटीन। शादी मतलब रोज़ रोज़ साथ रहना। अब ये रोज़ रोज़ का साथ कितना मैच करेगा ये पता होना चाहिए। आपका तो मालूम है आपको कि सब कैसे चलता है। उनसे पूछो उनके रूटीन के बारे में कि उनका कोई स्पेसिफिक रूटीन है भी या नहीं। अगर है तो वो अपनी डेली लाइफ को लेकर कितने स्ट्रिक्ट हैं। कुछ तो कर रहता है कि मेरे को ये चीज़ ऐसा होना मांगता है रोज़, मतलब दिस इज़ माई रूटीन। नंबर टू, फ्रेंड्स। बंदे या बंदी की सराउंडिंग के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संगति का असर तो होता ही है। तो उनसे उनके फ्रेंड्स के बीच की बॉन्डिंग के बारे में पूछिए कि उनके सबसे क्लोज कौन है और वो कैसा है, जैसा है वैसा ही उसको पसंद है या बस चल रहा है टाइप है। इस कॉन्वर्सेशन से आपको पता चलेगा कि वो किस टाइप के लोगों के बीच में रहते हैं या रहती हैं। जिस टाइप के लोगों के बीच में रहते हैं वो उन्हें पसंद है वैसे ही या उन्हें मतलबी लगते हैं या बुरे लगते हैं। अगर मतलबी और बुरे लगते हैं तो उस फ्रेंड सर्कल से निकल कर किसी ऐसे सर्कल में जाने की हिम्मत है या नहीं उनमें, जहाँ पर अच्छे लोग हों, जो भले नए हों लेकिन उनके टाइप के हों। क्योंकि शादी के बाद आपको उनके फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो या उनके फ्रेंड्स को छुड़वा दो। तो इसलिए फ्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए। नंबर थ्री, हेल्थ इश्यूज़। पूरी लाइफ का सवाल है तो ऑनेस्टी मेंटेन कीजिए। बचपन से लेकर अब तक आपके जो मेडिकल कंडीशन रही है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए और आज की डेट में आप कितने हेल्दी हो या अपने हेल्थ का ख्याल रखते भी हो या नहीं, और प्लस अपने पार्टनर के फूड हैबिट्स को लेकर या उनकी हेल्थ को लेकर आपका जो भी ओपिनियन हो बेझिझक बोलना। नंबर फोर, उस इंसान की सोच को समझना। नाउ दिस वन इज़ टफ, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस इंसान की मेंटालिटी कैसी है। तो अब जिस भी चीज़ के बारे में आपको उनकी थिंकिंग जाननी है उस चीज़ को आप पहले से ही लिख कर रख लो अच्छे वर्ड्स में, ताकि ये ना लगे कि आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो। ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में या हर एक सेंटेंस में क्यूरियोसिटी हो, मतलब क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। और जो क्वेश्चन पूछना अवॉइड करना चाहिए वो ऐसी क्वेश्चन है जिनको पूछते हुए आप खुद नर्वस फील करो या जिनके ऑनेस्ट आंसर मिलने के चांसेस कम हो। जैसे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में अगर आप पूछोगे तो हो सकता है कि वो कह दे कि हाँ मेरे चार बॉयफ्रेंड है, कोई दिक्कत, सिर्फ आपका रिएक्शन देखने के लिए। और अगर जो बंदा कांड करके बैठा है वो कह दे कि ये मैंने तो आज तक लड़कियों से बात भी नहीं किया, मैं पहली बार किसी लड़की से इतना ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ऐसे। और जो क्वेश्चन मैं लिखने बोल रही हूँ पहले से, वो आप अपने लिए लिखिएगा ताकि आपके माइंड में सब क्लियर हो जाए कि आप क्या जानना चाहते हो या क्या पूछना चाहते हो। ऐसा नहीं कि जेब में रख के ले जाओ पर्ची और बोलो कि आते हैं ज़रा वॉशरूम से, फिर वॉशरूम जाके थोड़ा पर्ची खोल के पढ़े क्वेश्चंस और फिर आके पूछे बाहर। अरे हाँ, वैसे ऐसा कर सकते हैं, बस पर्ची उनके सामने ना खोल देना कि कुछ सवाल लाए थे लिखकर, हिम्मत हो तो जवाब दे दो।
नंबर 5, आस्क अबाउट द एंगर इश्यूज, मतलब गुस्सा, कि आपको कौन सी बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी ऐसा किए हो कि इसका गुस्सा उस पर निकालना या खुद पे निकालना, ऐसे थोड़ा सा डिस्कशन गुस्से पे होना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए फ्यूचर फाइट्स के बारे में कि होंगी तो सही लेकिन ईगो क्लैशेस की वजह से होंगी या उनके गुस्से की वजह से होंगी। नंबर 6, आस्क अबाउट देयर इमोशनल ब्रेकडाउन। एक रिलेशनशिप को वही अच्छे से निभा पाता है जो इमोशनली स्ट्रांग हो। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब जिसके इमोशंस उसके खुद के कंट्रोल में हो। बुरा फेस हम सबकी लाइफ में आता है तो आपको बस उनसे इतना जानना है कि क्या उनकी लाइफ में ऐसा टाइम आया कभी जब उनको लगा हो कि वो इमोशनली टूट चुके हैं और उस टूटने को उन्होंने किस तरह से हैंडल किया और वो इंसिडेंट आज की डेट में उनको कितना इफ़ेक्ट करता है। इस तरह की बातें, इससे आपको ये समझ में आएगा कि उस इंसान की लाइफ में अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को लेकर फॉरगेट एंड मूव ऑन वाला स्पिरिट है या नहीं। क्योंकि जो इंसान चीज़ों को पकड़ के बैठता है वो कभी खुश नहीं रह पाता है। जो इंसान लेट इट बी वाला नज़रिया होता है जिसका, वही पीसफुल लाइफ जी पाता है। जब आप इस कॉन्वर्सेशन को एक इमोशनल एंड देंगे तो ये मीटिंग यादगार हो जाएगी और अब शादी होना नहीं होना वो तो अलग बात है, लेकिन आप उस इंसान को जानने में कामयाब हो पाए, जानने में नहीं समझने में, पूरी तरह से तो कोई नहीं जान सकते हैं, चाहे आप 10 मिनट बात करो या आधा घंटा बात करो किसी से, लेकिन थोड़ा समझ में आ जाता है उसका पर्सनैलिटी, तो उस इंसान को समझने में आप कामयाब हो पाए जिसका रिश्ता आपके लिए आया था, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और इस कॉन्वर्सेशन में ऐसी चीज़ें तो ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक जिसके साथ आप कतई समझौता नहीं कर सकते हो उस चीज़ के साथ, या ये चीज़ तो मुझे अपने पार्टनर में बिल्कुल नहीं चाहिए टाइप की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे लड़के हैं तो पूछ सकते हैं कि आप शादी के बाद जॉब करना चाहोगी या नहीं, या पेरेंट्स के साथ रहना आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि आपकी फ्रीडम छीन ली हमने, और लड़की हो तो पूछ लेना कि पीते खाते तो नहीं हो, फिर वो बोलेगा नहीं, फिर पूछोगे खाते पीते घर से हो तो बोलेगा हाँ, फिर रिश्ता पक्का, ऐसे कुछ होता है शायद। एनीवे, जो भी होता हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो ये वाला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना टू गेट नोटिफिकेशन ऑन एवरी वेंसडे एंड सैटरडे एंड संडे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, हर संडे को लाइव होती हूँ इंस्टाग्राम पर, बहुत मज़ा आता है। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, लव यू ऑल।